हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक राजा की है। राजा के तीन बेटे थे, तीन राजकुमार थे। राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को एक टास्क दिया जिसमें उन्हें जंगल जाकर नाशपाती के पेड़ के बारे में जानकारी वापस लेकर आनी थी। राजा के तीनों बेटे चार चार महीने के गैप पर जंगल गए एक एक कर, और तीनों जब वापस लौटे तो राजा ने तीनों को दरबार में बुलाया और उनसे जानकारी लेने के लिए उन्हें खड़ा किया। जो सबसे पहला बेटा था उसने कहा कि पिताजी, आपने मुझे एक ऐसे पेड़ की जानकारी लेने के लिए भेजा जहां पर ना तो पत्तियां थी और पेड़ भी सूखा हुआ था। जो दूसरा बेटा था उसने कहा, पिताजी मैं गया था पर मेरे को पत्तियां मिली लेकिन फल वल नहीं था उस पेड़ में, और बस सिर्फ पत्तियां थी। तीसरा बेटा जो लौटा था वो उसने उसको रोकते हुए बोला दूसरे बेटे को कि नहीं पिताजी, मुझे तो फल भी मिले, पत्तियां भी मिली और सीजन भी हरा भरा था और पत्तियां भी हरी थी एकदम, और मैंने फल चखा भी। तीनों बेटे की आपस में लड़ाई हो गई और तीनों की आपस में मुठभेड़ को देखकर राजा ने बोला कि शांत रहो, शांत। राजा के मंत्री के पास बहुत ही बुद्धि थी, उन्होंने बोला कि इसका एक कारण यह है कि जो तीनों पुत्र हैं वो चार चार महीने के गैप पर गए हैं। चार महीने में एक सीजन आया जो था पतझड़ का, जब उनका पहला बेटा गया था वो पतझड़ का सीजन था और उस समय एक भी पत्तियां नहीं थी पेड़ में। जो दूसरा बेटा गया वह जब नई पत्तियां उग रही थी और सावन का सीजन आ चुका था तब गया था। जो तीसरा बेटा था वो जब फल उगने का समय था और पत्तियां हरी भरी थी और पेड़ गार्डन जंगल पूरा हरा भरा था उस समय गया था। तो तीनों अलग अलग सीजन पे हर सिचुएशन को देख कर आए थे। तो कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी इंसान को बिना पूरा जाने हुए हमें उसको जज नहीं करना चाहिए, हर सिचुएशन को जानना चाहिए, हर लास्ट तक उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद उस चीज को जज करना चाहिए। थैंक यू। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।